कौन सी पार्टी का रुझान ज्यादा देखने का आपका क्या मन? सर मेरी नजर में तो आज के दिन है ना महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस पदा। स्थानीय सांसद भी तो बीजेपी के रहे हैं 10 साल। स्थानीय सांसद तो 10 साल में कहीं दिखे नहीं है। दिक्कत तो यही है कि स्थानीय सांसद को तो कोई टॉर्च लेके ढूंढे तो भी नहीं मिल रहे हैं। वो 10 साल में है कहाँ? भाई जो करका कहेंगा उन्हें दिया होगा वोट, वैसे जो कौन सी पार्टी जीतती होगी उन्हें दिया होगा। सेंट्रल लेवल पे तो बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर है ना वैसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वैसे हमारे को तो कांग्रेस लगती है जी। कांग्रेस को देंगे वोट, उसको जिताएंगे। कांग्रेस की आम हाथ वालों और न्यू हाथ वालों। हमारे वहाँ के विधायक भी है रावदान सिंह जी, महेंद्रगढ़ के जी। विधायक भी है, लायक भी है। राम मंदिर भी तो एक हिंदू समाज के लेकर। सर मंदिर ठीक है, एक आस्था की चीज है। आप साउथ में जाओ बहुत सारे मंदिर है, वो तो नहीं कहते राम मंदिर, राम मंदिर है और कुछ मंदिर है। हमें क्या जरूरत है? रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोडों की और बात करो ना, किस लिए करनी राम मंदिर की? वैसे तो सर बीजेपी बेटर है वक्त की, मतलब ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़ी गिरी मतलब वो गरीबों के लिए बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देश को वैसे देखोगे तो बहुत तो आगे जा रहा है। मोदी आपको तीसरी बार भी ट्रम्प्स में चाहिए? हाँ बिल्कुल। कौन सी ऐसी खास बातें आपको लगती है? उनकी तो मैं सुबह से शाम तक कहूँ तो भी कह नहीं सकता, सांसद से कोई ताल्लुक नहीं रहती जनता। 2024 वर्ष मौजूदा जो साल है वो कहीं ना कहीं चुनाव का वर्ष कहा गया है। इसी साल लोकसभा के चुनाव है, तो वहीं इसी वक्त विधानसभा के भी आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी चुनाव की रणभेरी जो है बज चुकी है, और इस वक्त भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के हम नारनौल विधानसभा सीट के यहाँ पार्क के अंदर खड़े हैं। यहाँ लोगों का मन जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यहाँ का वोटर है, किस उम्मीद के साथ में है और क्या अपेक्षा अपने नेता के साथ में रखता है। कुछ युवा साथी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश। योगेश जी आपकी वोट बन गई है जी, क्या कहेंगे, कैसा नेता चुनना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो सांसद हैं लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, क्या स्थिति आप मानते हैं? वैसे तो सर बीजेपी बेटर है वक्त की, मतलब ये सोचते हैं कि भाई ये थोड़ी गिरी मतलब वो गरीबों के लिए बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देश को वैसे देखोगे तो बहुत तो आगे जा रहा है, मतलब थोड़ी है गरीब मारी पर ये तो हर टाइम चलती है, बस अब ओपन में तब ओपन में नहीं आती थी, अब गरीबों के बच्चे वो जॉब भी लगने लग गए, पहले सब पैसे से होता था, तो बस बीजेपी ही बेटर है और हो सकता है बीजेपी आएगी। हो सकता है बीजेपी ही आएगी, अच्छी बात है। हमारे साथ और भी एक साथी हैं, क्या क्या नाम है दोस्त आप? नवीन है सर। नवीन जी आपकी वोट बन गई है? बन गए सर जी। पहली बार वोट करेंगे या पहले कर चुके हैं? पहले हम कर चुके हैं, पहले कर चुके। लास्ट टाइम मैंने बीजेपी को किया था। चलो वो किसी को भी करें आप। आपकी नजर में जो मौजूदा सांसद है 10 साल का कार्यकाल कैसा है, कौन सी पार्टी आपकी नजर में अच्छी है, क्या आपका मानना है? देखो जी मैं हरियाणा से हूँ और सेंट्रल लेवल पे तो बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर है ना वैसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत है वैसे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर था पहले हमारा मुख्यमंत्री, तो उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें थी, उस बेस पर वो काम कर नहीं पाए। तो अभी हमें लगता है कि अगर वैसे बीजेपी के 2-3 MLA ने अपना साथ छोड़ दिया, अभी मैंने देखा था, तो देखते हैं। वैसे हम तो बीजेपी के सपोर्ट में है, लेकिन उन्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जैसे कि आगे चल के अगर उन्हें दोबारा से जनता लाती है या कुछ भी होता है तो उन्हें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करना चाहिए, जिससे कि आगे विकास हो सके। आगे विकास की उम्मीद में बदलाव की ये कहीं ना कहीं उनको सलाह भी दे रहे हैं। और भी कुछ युवा साथी इनसे बात करना चाहिए। दोस्त बात कर पाएंगे आप? कहाँ के रहने वाले हो आप जी? क्या नाम है आपका? राहुल। क्या करते हैं आप? वैसे कबाड़ कबाड़ का काम करते हैं जी। आपका वोट बन गया है? हाँ सब कुछ है, यहाँ का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट है जी। अभी पता है आपको चुनाव है? हाँ पता है। वोटिंग करेंगे? करेंगे, जरूर करना है, औरों को भी सलाह देंगे। मौजूदा स्थिति के अंदर कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है, कौन से लोग आपको अच्छे लगते हैं? हमारे को तो कांग्रेस लगती है जी। कांग्रेस को देंगे वोट, उसको जिताएंगे। मौजूदा सरकार, मौजूदा जो सरकार है वो तो कहती है कि आपकी बार 400 पार गरीबों के लिए उन्होंने मुफ्त राशन कई योजनाएं चलाई थी, मुफ्त राशन मिल रहा है, तेल मिल रही है, चीनी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तेल का क्या 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 कारण है कि आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं? सही है, कारण हमारा फायदा है तब जा रहे हैं हम उनके कारण। बहुत बढ़िया, ये आपका अपना है। क्या नाम है दोस्त? सन्नी। सन्नी सन्नी वोट बन गया आपका? नहीं बना, अभी नहीं बना है जी। हमारे साथ में कुछ और भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? आरती।
आरती आपका वोट बन गया है जी। आप मौजूदा स्थिति के अंदर जो आपको पता है चुनाव है, कौन सी पार्टी या कौन से लोग आपको नेता अच्छा लगता है? कोने मेरे पहले वो पहले वोट बने सगे रंगा अभी अभी वोट वोट अच्छी बात है। पहली बार कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है और किन कारणों से अच्छी लग रही है आपको? कांग्रेस की आम आथवाड़ो वो न्यू आथवाड़ो जी। क्या कारण है, क्या योजना, क्या योजनाएं आपको अच्छी लगती है? भाई मन तो ना मेरे मन वोट देती हूं कि अच्छा सर। मिला जुला यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और हमारे साथ में है ये इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र यादव सर जी। यादव साहब आपका वोट बन चुका, आप यहाँ के नागरिक हैं? मेरा सर हाँ, विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ पड़ता है। महेंद्रगढ़ बनता है, चुनाव है, आपसे चलते चलते बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, मौजूदा स्थिति किस तरह से देख रहे हैं, कौन से नेता कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? सर मेरा ओपिनियन यही कांग्रेस, और हमारे वहाँ के विधायक भी है रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ के जी, विधायक भी है लायक भी है। ओके, काफी काम करवा क्या रहे हैं। क्या क्या कारण खूबियां देखते हैं, क्योंकि वो तो अभी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। बिल्कुल है सर, देखो विधानसभा में काफी काम करवाया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है सेंट यूनिवर्सिटी का काम था, लड़कियों के कॉलेज का था, कोर्ट का काम था, और भी काफी छोटे कितने गिनाए, आईटीआई का है, सतनाली एरिया में बहुत काम करवाए उन्होंने। तो विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र में काम करवाए, तो हमारा तो ये मानना है जब लोकसभा से जाएंगे तो वहां भी काफी काम होंगे। बड़े मिलनसार आदमी है, अच्छे काम करते हैं, कभी भी मैं तो सीधा कहता हूँ हाथ पकड़े कभी कुछ भी काम करा। तो अभी तो महेंद्र की बड़ी दयनीय स्थिति है, नगर पालिका की बात की जाए तो, मौजूदा विधायक की आप जो बात कर रहे हैं तो। सर इसमें क्या है, पहले जब राव दान सिंह जी थे, जब हुड्डा पार्क बनाया, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई दयनीय स्थिति की थी उन्होंने, बल्कि लोगों ने अपने पैसे कलेक्ट कर करके पैसे दिए, लोगों ने दान सिंह जी ने अपनी पॉकेट से पैसे दिए, और हुड्डा पार्क में डेली 5-7 हजार आदमी आते हैं जी। तो मैं तो वहां का लोकल हूँ सर, 5-7 हजार आदमी आते हैं, अपने खुद के पैसे उन्होंने पॉकेट से दे रखे, सरकार ने नहीं दिया तब भी बात, बल्कि बीजेपी ने तो उस टाइम जब बीजेपी सरकार आई, यहाँ तक की हुआ था सर, कहना नहीं चाहिए कि जो हुड्डा साहब की वहाँ मूर्ति लगी हुई थी उसके साथ भी तोड़फोड़ करने की इन्होंने कोशिश की थी। बीजेपी सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, राम मंदिर का एक बड़ी उपलब्धि, 370 की उपलब्धि गिनाते हैं, आप क्या मानते हैं? सर पहले आ जाए 370 पे, मेरे बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता कि 370 का केवल बी हटाया गया है जी, एक 370 केवल बी हटाया गया है। बी में क्या है, आप वहां जाके और वहां जमीन खरीद सकते हो, किसने खरीदी सर? आप वहां के एक बार देखना, आरटीआई लगाओ और सेल डीड देखो कि सबसे ज्यादा सेल डीड वहां की किसकी हुई है, वो आपको पता चल जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तो राम मंदिर भी तो एक हिंदू समाज के लेकर, नहीं सर मंदिर ठीक है, एक आस्था की चीज है, आप साउथ में जाओ बहुत सारे मंदिर है, वो तो नहीं कहते राम मंदिर, राम मंदिर है और कुछ मंदिर है, हमें क्या जरूरत है? रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोडों की और बात करो ना, किस लिए करनी राम मंदिर की, हम तो नहीं चाहिए सर वहाँ। राष्ट्र हित के अंदर वोट मांगी जा रही है, राष्ट्र हित के अंदर बात की जा रही है सर। राष्ट्र हित की बात यह है, बात ये है पाकिस्तान फलाना, हमारे जो पड़ोसी राज्य है, जितने पड़ोसी देश है, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। राष्ट्र हित की बात तब आती जब चाइना वाला मामला है, इसमें कुछ कदम उठाते, पिछली बार जो बालाकोट वाला मामला हुआ था, तो राष्ट्र हित में तो जो भी सरकारें आई सर, राष्ट्र हित की सारी होती है। आप राष्ट्र हित के लिए वोट मांगना और कुछ है, कितने आतंकवादी हमले हुए सर, वो हमारा मीडिया नहीं दिखाना चाहता, वो अलग चीजें हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा हुआ, आज तक उसका कुछ नहीं पता चला। ये वोटर है, इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ इनका झुकाव है, और भी हमारे साथ बैठे हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे, अभी चुनाव है, कौन से पार्टी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, किसके आप मानते हैं किस कारण से अच्छी? नहीं अच्छी तो जो काम करेगी वो पार्टी अच्छी लगेगी, इसको 10 साल होगी, इतने ज्यादा वोट दे दिए इसने, कहीं एक भी काम किया आज तक? छोरा बेरोजगार डोली, महंगाई चरम सीमा पे है। अब कांग्रेस का जो कांग्रेस, ये जो पार्क अभी देख रहे हो ना आप, ये कांग्रेस आदमी इतना हरा भरा होता था कि पब्लिक का मन लगता था यहाँ पे, इस पे खंडर बना दिया इसको, तो क्या बताऊं इसकी पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 50 साल राज किया है, चमन और महेंद्र, 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या आपको पता नहीं? एक सूई से लेके हवाई जहाज कांग्रेस ने तो बनाई है, आज ये जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इन्होंने तो एक बताओ ना क्या बनाकर क्या बेचा, अपना 2000 का नोट तो चला नहीं पाए, यो तो बेच दिया पहले ही। हमारे साथ और भी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, चुनाव है, कौन सी पार्टी का रुझान ज्यादा देखने का आपका क्या मन? सर मेरी नजर में तो आज के दिन है ना, महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस को ज्यादा लगता है।
जो भी मिलते हैं कांग्रेस के पीछे लगे हुए लोग। ऐसा ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ? यहाँ लोकल महेंद्रगढ़ के होने की वजह से ज्यादा दबाव लग रहा है लोगों के बीच में कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले का लाल है, इसको टिकट मिले नेशनलाइज पार्टी की तो हम इसके पीछे लगे। महेंद्रगढ़ जिले से तो दो भी हैं और भी काफी हैं, राव बहादुर सिंह जी भी हैं जो इसके साथ जेजेपी पार्टी के साथ में है, और भी काफी प्रत्याशी महेंद्रगढ़ जिले से ही हैं। लेकिन आज के दिन यदि बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में ही मान रहे हैं लोग, राष्ट्रीय पार्टी के अंदर ही आज के इलेक्शन है, दो के बीच रह गए नेशनल पार्टी के बीच बता रहे हैं तो। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में कांग्रेस का ज्यादा रुझान है। कर्मचारी वर्ग भी आज जो कह रहे हैं कि हम सभी को पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं मिली, कर्मचारी वर्ग चाह रहे हैं सभी के हमें कांग्रेस ही हमें पेंशन दिला सकती है, इसलिए हम कांग्रेस के पीछे लगे हैं। सर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के नारनौल विधानसभा में अभी पंजाब केसरी टीवी मौजूद है, काफी है इनसे बात और भी साथी बात करने की कोशिश करेंगे। मिला जुला अभी तक असर देखने मिला। क्या नाम है सर आपका? संतोष यादव जी। संतोष जी क्या कहना चाहेंगे, चुनाव है, कौन सी पार्टी किन लोगों का आपको नेताओं की तरफ आपका रुझान रहेगा? सर रुझान तो एक्चुअली जो काम और वर्क देख के मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? वो तो 10 साल की ये देखो ना सर क्या हालत है, पार्कों के पार्क घूमने के लिए नहीं है, सुबह से हम यहाँ घूमने के लिए सुभाष पार्क आते हैं। अगर कोई पार्टी पार्क बनाती है तो उसकी तरफ वोट का रुझान आपका हो जाएगा? मैंने एक छोटा सा नमूना बताया है, ये तो एक विकास, एक छोटा सा हमारे लिए घूमने की एक जगह नहीं दे पा रहे हैं, उसकी दयनीय हालत है, ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, जब एक पार्क की ये दयनीय हालत है तो क्या होगी हालत इनसे, एक पार्क नहीं सही हो पा रहा है, क्या किया जाए? तो उन्होंने सड़कों का जाल बनाया है बीजेपी पार्टी ने, यहाँ पर पानी नहरी पानी आया है, तमाम गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में आपका क्या? देखो रोड नो डाउट रोडों का जाल पहले भी बिछा है, आज भी बिछ रहा है, गडकरी जी ने बढ़िया काम किया है, इसको एक्सेप्ट करते हैं सब, गडकरी जी का पर्सनली काम है, ये बढ़िया किया है उन्होंने, इस बात में कौन मना कर रहा है? केंद्र में मंत्री है, उनके पास में विभाग है, लेकिन स्थानीय सांसद भी तो बीजेपी के रहे हैं 10 साल। स्थानीय सांसद तो 10 साल में कहीं दिखे नहीं है, दिक्कत तो यही है कि स्थानीय सांसद को तो कोई टॉर्च लेके ढूंढे तो भी नहीं मिल रहे हैं, वो 10 साल में है कहाँ, है कहाँ वो 10 साल में? यहाँ तो सांसद नाम की चीज ही नहीं है, हम तो बेगाने हैं यहाँ तो। 10 साल में कभी एक दिन देखा हो तो किसी गांव में गए हो, किसी के दुख सुख में गए हो, सांसद किस लिए बनते हैं? हमारी आवाज उठाई हो, कभी कोई बात की हो, तब तो कोई बात है, ऐसे सांसद का क्या फायदा? ये एक नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, वो हमारे साथ में कुछ माताएं हैं जो अभी भजन कर रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। माता जी राम राम, आपसे बात हो जाएंगी, आप भजन कर रहे हैं जी जी। क्या क्या नाम है माता जी आपका? शांति। शांति जी अभी आपको पता है चुनाव है, तो चुनाव में कौन सी पार्टी का ज्यादा मन दिख रहा है आपको, किस नेता की तरफ आपका रुझान? भाई मन तो को रनर को बात में नहीं, वोट तो डालते होंगे ना आप? तो वोट डाल देंगे, होगा उसके नहीं, आपका भी तो कोई मन होगा किसी की तरफ? कैसे भाई दान सिंह का देंगे, आपका अपना मन नहीं? नहीं मन, मन से मन क्यों ना हो जी। हाँ आप तो कहने से डालने की बात कर रहे ना, कहने से गोदाम डालेगा। चलो माता जी आपसे बात करेंगे, क्या क्या नेता तो कोई अच्छा लगता है? आपने तो जीवन में बहुत अनुभव है बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं। माता जी आप क्या बताएंगे? भाई जो कर का कहेंगा उन्हें दिया वोट, वैसे जोन सी पार्टी जीतती होगी उन्हें दिया होगा, तो कोई जीतती तो होगी इलेक्शन सर पे आगे 25 तारीख। घर में जिक्र होता होगा, टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे? नहीं भाई मैं तो टीवी ना देखो, घर वाला भी कोई जिक्र नहीं करे, बच्चे बच्चे युवा पीढ़ी मोबाइल सबके पास है, बच्चे सब अपने अपने धंधे से। आपको कैसा नेता चाहिए, जो कौन सा अच्छा नेता चाहिए, जो कैसा हो, पेंसिल भी अच्छी हो जाए और देश को भी सुधार हो जाए? आजकल लाग रहा से टपरे उनकी पेंसिल लगा दे, चला छोटा नंबर लिया हुई भी कामयाब हो जाए, सिरा मार लो कितना भी लिया हो तो भी रह जाए। तो आप आरक्षण के खिलाफ हैं? आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के आधार पर होना चाहिए, काबिलियत के आधार पर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये तो हम बताओ कौन सी को देखा कामयाब हो? हम नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे वोट जरूर डालना, वोट तो जरूर डालना, पर तो थोड़ा भाई ना अनपढ़ ना कोई तो ज्ञान भी तो दो ना, कौन सी कामयाब कर सके? आपने देखो जिंदगी का अनुभव तो आपके पास है, हम तो आपके बच्चे के बराबर हैं। वो तो है बच्चे के बराबर बच्चे ही हो, पर भाई देखियो तो इतना ज्ञान को ना। आप क्या कहेंगे जी? भाई आजकल वाला बच्चा जो लाग रहे उनकी पेंसिल क्यों बंद कर दी बताओ?
उनकी भी तो रहनी चाहिए ना, उनको क्या हाल बाद में। कौन सा, आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं जो सेना में जा रहे हैं? ना ना, हरियाणा में, हरियाणा में जो अभी गवर्नमेंट की जॉब ले रहा है बच्चा ने जो मिल रही है उनकी पेंसिल क्यों बंद है? ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन जो पेंशन है। तो इस कारण से आप मौजूदा सरकार से खपा लग रहे हैं? मौजूदा सरकार बंद करी जगह है पेंसिल। किसने किया है जो भी बंद करे? जब ये तुम को पता पड़ा। आपको कैसा सांसद चाहिए जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपकी बात को रख सके? मन तो बनाया होगा, कुछ सुना तो होगा आपके पास जिंदगी का अनुभव? ना ना, हम तो खाली पार्क महासा घर में जहाँ काम करा सर, पार्क महासा भजन करा सा, इतना तक ही मतलब रखना। माँ है, माँ को पता है इस मामले में, वो बताएंगे। कुछ भी तो मन बनाया होगा ना, कुछ हम वोट डालने की अपील करेंगे। हम ये नहीं कहें किसको देना, घर का कहेंगे जय नहीं दे जाएंगे, हमने तो कहीं को दे। मान लीजिए घर वालों को आपका अपना मन नहीं है कोई, ना अपन मन को ना, पर घर वाला कहेगा जय को दिव्य। जी जी जी, ये काफी लोग हैं, इनसे बात करने के, कोई बात कर पाएगा अपने सांसद के बारे में, कैसे सांसद होना चाहिए? बुजुर्ग महिलाएं हैं, भजन करने की हैं, एक बुजुर्ग हमारे साथ, इनसे बात करने करें। काका नमस्ते, क्या आपसे बात कर लें? क्यों नहीं, इलेक्शन है, चुनाव है, सांसद का चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी का ज्यादा रुझान देखना मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, किस कारण? ये चल रहा है पूरा इंडिया में, नहीं बाहर तक, मोदी तो मोदी है और कोई विकल्प ही नहीं है। और वैसे कुछ चश्मा जैसे चल रहा है अलग से, वो कुछ ऐसे भी है। मोदी आपको तीसरी बार भी ट्रम्प्स में चाहिए? हाँ बिल्कुल। कौन सी ऐसी खास बातें आपको लगती है? उनकी तो मैं सुबह से शाम तक कहूँ तो भी कह नहीं सकता। जी, जी। कांग्रेस पार्टी किस कारण से आपको अच्छा नहीं लगा? उन्होंने तो ये कुछ किया ही नहीं, शोषण किया है जनता का, जो तिजोरियां भरी है। कोई ऐसे दो काम बता सकते हैं जो मौजूदा सांसद ने किए हों? सांसद ने इतने रोडों का जाल बिछा दिया, इतना सुंदर, जो पहले यूं समझते हो कि हमें खड्डे में रोड में खड्डे है या खड्डों में रोड है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं तो है जो हर रोड, मतलब जो दो घंटे में सफर पे तय हो। एक काम हो गया, एक काम हो गया आपने जी। दूसरा बताइए साहब, दूसरा काम क्या है सांसद का? दूसरा फ्री खा राशन दे रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे मौजूदा सांसद का? सांसद से कोई ताल्लुक नहीं रखती जनता, वो तो केवल मोदी देख रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं जी। हमारे साथ में और भी एक सज्जन है। सर क्या कहेंगे, आपकी नजर में क्या है इलेक्शन? ऐसा है जी, जैसे इन्होंने बताया अगर रोड बने, ये रोड तो लॉजिस्टिक हब की वजह से बने, और ये लॉजिस्टिक हब तो कांग्रेस की देन था, ये गलती हुई भाई। कांग्रेस ने जमीन क्वार करनी चाहिए बाड़ के अंदर, उन लोगों ने जमीन नहीं दी, उसकी वजह से नांगल चौधरी आए, और लॉजिस्टिक हब की वजह से रोड बने, नहीं तो ये बीजेपी थी पहले, कहां कुछ बनकर आया था। तो आपकी नजर में कौन सी पार्टी अच्छी है? कांग्रेस अच्छी है, जो कुछ आदेश ले कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने तो स्वाय जोड़ी कुछ किया ही नहीं है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम जातवाद धर्म के नाम पर वोट मांग रहे, बताओ करने के लिए क्या इनके पास? 10 साल में सांसद यहाँ रहे हैं, सत्तासीन पार्टी के रहे हैं, केंद्र में सरकार है, यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, अब नायब सैनी जी की है, काफी काम बता रहे हैं आपके साथ में खड़े। देखो ऐसे अजीब, मैं रणबीर से पर्सनल जानता हूँ, रणबीर मेरे अच्छे दोस्त रहे मैं, लेकिन एज ए सांसद रणबीर का बिल्कुल फेलियर रहे। ये है नारनौल की जनता, जिनका कहीं ना कहीं मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मामला जो है वो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में है। बीजेपी के समर्थक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात कहते हुए वोट डालने की बात कह रहे हैं, विकास के नाम पर वोट डालने की बात करते हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है या नेता के समर्थक है जिस पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं स्थानीय जो सांसद है उनको फेलियर घोषित कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मौजूदा जनता यहाँ की किसको अपना सिरमौर बनाती, किसको सांसद बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट है कि अब का बार जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।